Assalamualaikum viewers, welcome to Smart Life Tube. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक एक अजीम और आसमानी किताब है जो कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुई थी। ये वो वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है कि इसकी हिफाजत मैं करूँगा। तो इस बात से हम इस किताब की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में हम ऐसे नाम और उनके मायने जानेंगे जो कि कुरान पाक से लिए गए हैं और कुरान पाक में मौजूद हैं। चूंकि ये किताब खास और अहम है तो इसीलिए ये नाम भी बहुत खास और अहम होंगे। इसलिए इनमें से कोई एक नाम अपने बच्चों का जरूर रखें, क्योंकि नाम जो होते हैं वो इंसान की शख्सियत पर गहरा असर डालते हैं। तो आइए ये नाम हम जान लेते हैं। करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाम है इब्राहिम। इब्राहिम नाम के मायने हैं पैगंबर का नाम, कुरान पाक की एक सूरत का नाम, और इसका एक्चुअल मायने है बुजुर्गी वाला। नाम है बुरहान। बुरहान नाम के मायने हैं दलील, निशानी और सबूत। नाम है हदीद। हदीद नाम के मायने हैं मजबूत, लोहे जैसा। नाम है वहाज। वहाज नाम के मायने हैं रोशन और चमकदार। नाम है असफर। असफर नाम के मायने हैं रोशन और चमकदार। नाम है राउफ। राउफ नाम के मायने हैं नरम दिल। नाम है ताहा। ताहा नाम के मायने हैं कुरान पाक की एक सूरत का नाम, सूरह ताहा, और हजरत अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम। नाम है मुहम्मद। मुहम्मद नाम के मायने हैं काबिले तारीफ, इसकी तारीफ की जाए, और कुरान करीम की एक सूरत का नाम। नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम के मायने हैं अल्लाह का बंदा। नाम है रहमान। अब्दुल रहमान। रहमान नाम के मायने हैं शफीक और मेहरबान। ये नाम अल्लाह पाक का है, इसलिए जब हम किसी का नाम रखेंगे तो इसके साथ अब्दुल्लाह लगाएंगे। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम का मतलब है अल्लाह का बंदा। नाम है हाद। हाद नाम के मायने हैं रहनुमा। नाम है जाइम। जाइम नाम के मायने हैं जामन और गवाह। नाम है दाइम। दाइम नाम की स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश में दो तरह से है, जो कि आपके सामने है, और इसके मायने हैं हमेशा और दायमी। नाम है यासीन। यासीन नाम बहुत प्यारा नाम है, क्योंकि ये तीन तरह से आता है। कुरान पाक की एक सूरत का नाम भी है, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुबारक भी है, और कुरान पाक की जो सूरत है सूरह यासीन, उसे कुरान का दिल कहा जाता है। नाम है अतहर। अतहर नाम के मायने हैं बहुत पाक। नाम है इस्माइल। इस्माइल नाम के मायने हैं खुशी, दलेर, बहादुर और मुस्कुराहट। नाम है अमन। अमन नाम के मायने हैं सुकून। नाम है इबाद। इबाद नाम के मायने हैं बंदे, अल्लाह के बंदे। नाम है ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन नाम के मायने हैं वलीउल्लाह का नाम। नाम है आबिद। आबिद नाम के मायने हैं इबादत करने वाला, इबादत गुजार। नाम है ज़िया। ज़िया नाम के मायने हैं नूर और रोशनी। नाम है सारिब। सारिब नाम के मायने हैं सीधा और साफ। नाम है फुरकान। फुरकान नाम के मायने हैं हक और बातिल में फर्क करने वाला।
है अफनान। अफनान नाम के मायने हैं शाखे और जड़। नाम है शाहिद। शाहिद नाम के मायने हैं गवाही देने वाला। नाम है हसीब। हसीब नाम के मायने हैं जमा करने वाला, मुअज्जज और काबिले इज्जत। नाम है तैयब। तैयब नाम के मायने हैं पाकीजा, पाक साफ, साफ सुथरा। नाम है मुबशिर। मुबशिर नाम के मायने हैं खुशखबरी सुनाने वाला। नाम है मुजम्मल। मुजम्मल नाम के मायने हैं कंबल ओढ़ने वाला। यानी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही मुबारक नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़ लेते थे। ये नाम हजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब मुबारक भी है। नाम है ताहिर। ताहिर नाम के मायने हैं पाकीजा और पाक साफ। नाम है तारिक। तारिक नाम के मायने हैं रात का मुसाफिर और रोशन सितारा। नाम है यूनस। यूनस नाम के मायने हैं पैगंबर का नाम, मछली वाले और एक मशहूर पैगंबर हजरत यूनस अलैहिस्सलाम। क्योंकि हजरत यूनस अलैहिस्सलाम काफी अरसे तक मछली के पेट में रहे थे। नाम है इमरान। इमरान नाम के मायने हैं आबादी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम। नाम है मुदस्सिर। मुदस्सिर नाम के मायने हैं चादर ओढ़ने वाला और हजरत अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब मुबारक। नाम है अलीम। अलीम नाम के मायने हैं जानने वाला। नाम है समी। समी नाम के मायने हैं सुनने वाला। नाम है गफूर। गफूर नाम के मायने हैं मुआफ करने वाला, बख्शने वाला। ये भी अल्लाह पाक का नाम है, इसलिए जब भी हम इस नाम को रखेंगे तो इसके साथ अब्दुल लगाएंगे, यानी अब्दुल गफूर। नाम है अयूब। अयूब नाम के मायने हैं मोतबर और पैगंबर का नाम। नाम है यहया। यहया नाम के मायने हैं जिंदा और पैगंबर का नाम। नाम है मतीन। मतीन नाम के मायने हैं मजबूत और जबरदस्त। नाम है जहीर। जहीर नाम के मायने हैं दोस्त, मददगार और साथी। नाम है हारून। हारून नाम के मायने हैं सरदार और तकबीर दिया गया। नाम है अजीम। अजीम नाम के मायने हैं आली रुतबा और बुलंद दर्जा। नाम है मकनून। मकनून नाम के मायने हैं महफूज और छुपा हुआ। नाम है मुकीत। मुकीत नाम के मायने हैं मुहाफिज और देने वाला। नाम है ईसा। ईसा नाम के मायने हैं मशहूर पैगंबर का नाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नाम है मूसा। मूसा एक मशहूर पैगंबर का नाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और पानी से निकाला हुआ। नाम है मोमिन। मोमिन नाम के मायने हैं ईमान वाला। उम्मीद है आपको ये नाम पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।
जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।